Mumbai Heroes taking on Telugu Warriors. Telugu Warriors winning the toss and bowling first. That's ball number one. पिछली बार जब समीर कोचर और आफ्ताब शिवदसानी ने ओपन किया था मुंबई के लिए तो दोनों ही ने एक बढ़िया सी स्टार्ट दी थी और तेलुगु वॉरियर्स के लिए सिर्फ यही दिक्कत है कि रघु ने शुरुआत तो की है लेकिन दूसरी तरफ से आमतौर से नंद किशोर बॉलिंग करते थे और उनको शायद अब बाद में करवाएंगे क्योंकि एक नया रूल है सीसीएल में. वंस अगेन टेरिफिक लाइन और बॉलिंग की शुरुआत हो तो ऐसी. समीर कोचर ने पिछली बार काफ़ी अच्छा खेला लेकिन दोनों ही ऐसी सदी हुई गेंदें शुरुआत में की कि बल्लेबाज का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है कि भाई ना तो इसने मौका दिया. ब्यूटीफुल लाइन वंडरफुल लेंथ. पिछली बार 31 रन बनाए समीर ने. इस बार ओवर पिच्ड. समीर को मौका मिला बल्ला घुमाया और मिड ऑन बाई तरफ से चौका. बॉलिंग की भी शुरुआत अच्छी. पहला शॉट लगाया समीर ने तो बल्लेबाजी की शुरुआत बेहतरीन. मुंबई हीरोज के पहले रन चौके के साथ. जस्ट लिटिल ओवर पिच्ड. हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर सी थी लेकिन ये देखिए लपेटा. लकली मिड ऑन वाज अ लिटिल वाइड. ओह आई थिंक इट ड्रॉप जस्ट शॉर्ट. निक जरूर हुआ था कीपर के शायद कुछ ही इंच या एक फुट सामने गिरी गेंद. ये देखिए बेहतरीन लाइन ऑफ स्टंप के बाहर. हल्का सा एज ओह और एक फुट सामने. लड़खड़ा है समीर लेकिन रन आसान था क्योंकि आफ्ताब शिवदसानी ने बढ़िया स्टार्ट लिया. यहां दुबई में तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीता. उन्होंने कहा कि देखिए पिछली बार हमने बल्लेबाजी की थी लेकिन मैच हार गए तो इस बार चलो चेस ही सही. और मुझे लगता है कि 150 55 60 से ज्यादा अगर मुंबई हीरोज ने बना लिए तो चेस करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर. दबाव ज्यादा हो जाता है. तेलुगु वॉरियर्स ने काबिलियत तो बहुत है लेकिन दबाव की बात अलग है. तो आफ्ताब शिवदसानी के बढ़िया 79 रन पिछली बार. स्ट्राइक रेट 131. पहले दो तीन सीजन में आफ्ताब ने कुछ ज्यादा नहीं किया. इंजरीज भी थी लेकिन इस साल क्या बेहतरीन स्टार्ट है. आफ्ताब शिवदसानी हैज शोन हिज ट्रू क्रिकेटिंग एबिलिटीज. ओ ब्रिलियंट एंड टेकन. क्या बात है. पहली गेंद आफ्ताब शिवदसानी ने फेस की व्हेन कटिंग अक्रॉस हिम मिडल विद इट डबल विद इट एंड इट टर्नड आउट टू बी एन इजी कैच फॉर द कीपर. कप्तान आफ्ताब शिवदसानी पहली गेंद पे आउट. ये देखिए बेहतरीन गेंद कटिंग अक्रॉस और आदर्श का अच्छा कैच बाई तरफ डाइव करके. रघु कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत ही बेहतरीन ओवर. मुंबई हीरोज का पहला विकेट आफ्ताब शिवदसानी. ऑन फॉर अटैक. मुंबई हीरोज के लिए अगले बल्लेबाज राजा फरवानी. लेकिन मुंबई हीरोज के कैंप में बहुत ही निराशा होगी क्योंकि आफ्ताब शिवदसानी जिन्होंने कितनी बढ़िया पारी खेली थी पिछले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए रघु के और वो थी पहले ओवर की आखिरी गेंद. वंडरफुल स्टार्ट फॉर तेलुगु वॉरियर. सुधीर बाबू शुरुआत करेंगे दूसरी छोर से अवे फ्रॉम द कमेंट्री एंड. तो इस गोवा निकोफिक्स सीसीएल सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक के पहली ओवर में शॉर्ट एंड वाइड लेकिन टाइमिंग नहीं. समीर कोचर टाइमिंग नहीं पाए.
उस गेंद पर चौका लिखा था, लेकिन मैं पहले ओवर की बात कर रहा था। रघु की क्या बेहतरीन स्टार्ट, इतनी बढ़िया लाइन लेंथ, एक बॉल फोर लेंथ की थी जिसे समीर ने चौके के लिए मारा, लेकिन जो उनके ओवर की आखिरी गेंद थी ये देखिए, एंगलिंग अक्रॉस आफ्ताब शिवदसानी, और कहने को तो आसान सा कैच था लेकिन फिर भी लेना था, और आदर्श ने बहुत बढ़िया काम किया। राजा ट्राइंग टू पुल द वेरी फर्स्ट बॉल, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा पिच में जो स्पीड है, पिच की रफ्तार है, बाउंस है, उसे दो तीन बॉल तक तो देखना चाहिए, लेकिन शॉट जरूर थी और मे बी द पुल वॉज ऑन बट लिल टू सून। और उनका ये आक्रामक रुख देख के फील्ड में तब्दीली, 5-4 फील्ड हो गया है और लेग साइड पे सभी फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। एक मिड विकेट अखिल को लिया उन्होंने, फिर शॉट की एंड ही रैंप्स इट अप टू थर्ड मैन, यहाँ पे आदमी तैनात है। जितनी अच्छी गेंदबाजी रघु की थी उतनी ही कहना चाहिए कि उतना ही लय कम है सुधीर बाबू की गेंद में। पहला ओवर है लेकिन maybe some nerves। और आपको याद दिला दें कि CCL का जो नया रूल है, पहले 6 ओवर में सिर्फ कैटेगरी 1 के प्लेयर्स ही बैटिंग या बॉलिंग कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं। बेहतरीन ग्राउंड है ये दुबई स्पोर्ट्स सिटी का क्रिकेट ग्राउंड, ब्यूटिफुल। एंड ऑफकोर्स चामुंडी चीफ एंड चार्मी तेलुगु वॉरियर्स मेंटोर एंड सपोर्टर्स। तेलुगु वॉरियर्स की टीम तो बड़ी तगड़ी है लेकिन जीत नहीं पाई अभी तक CCL। अगेन शॉट एंड वाइड, और इस बार क्या 4 रन मिल सकते हैं, लेकिन देखिए फील्डिंग बेहतरीन और 2 रन लेने की तेजी से कोशिश। सुधीर बाबू बहुत जगह दे रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, शॉट भी है गेंद तो, ये इन सब गेंदों पे 4 रन लिखा हुआ था, लेकिन राजा भरवानी कुछ नए से आए हैं, पहले ओवर फेस कर रहे हैं, तो बस बल्ला बॉल पे लगने की देरी है और रन ही रन। गुड फील्डिंग, बड़ी तेजी से रन लिया, थोड़ा रिस्की हो सकता था लेकिन समीर कोचर ने अच्छा स्टार्ट लिया। और दूसरे ओवर की समाप्ति, मुंबई हीरोज 1 विकेट खोकर 11। बड़ा नुकसान मुंबई हीरोज के लिए, उनके कप्तान आफ्ताब शिवदसानी पहली गेंद पर आउट, रघु की बेहतरीन गेंद मूविंग अक्रॉस हिम, लेकिन समीर कोचर खेल रहे हैं 7 रन पर और राजा भरवानी 4 रन पर खेल रहे हैं। अभी तक एक छोर से इतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं सुधीर बाबू की, लेकिन रघु जो अपना दूसरा ओवर करेंगे हमारे कमेंट्री एंड से, बहुत ही सही गेंदबाजी। मिस्टर कोहली एंड तनीशा वेरी मच इन दुबई, गुड टू सी देम हियर एंड टुगेदर, बहुत देखा इनको पिछले 2-3-4 महीनों तक साथ साथ, और अच्छा लग रहा है कि यहाँ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 को सपोर्ट करने के लिए और खेलने के लिए, जहाँ तक कोहली का सवाल है, आए हैं। सनी लियोन को भी पिछले मैच में, पिछले हफ्ते भी देखा था, इस हफ्ते भी बहुत बढ़िया सपोर्ट। और सपोर्ट की जब बात करें तो हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप बिग FM को सुन सकते हैं। वाह क्या नज़ारे हैं यहाँ दुबई क्रिकेट ग्राउंड में, ये तो खूबियत है गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की, हमेशा हर सीजन में बेहतरीन सपोर्ट और खूब रंगीन माहौल। Tanisha is looking very good. And Raghu will begin his second over after just a little bit of adjustment in the field. Raja Bharwani ke liye ye kaam aasan nahi hoga kyunki Raghu ki jo gendbazi hai bilkul room nahi dete.
कभी कभी लेंथ में अगर थोड़ा सा फर्क हो गया तो हो गया, जिसकी वजह से समीर ने पहले ओवर में एक चौका मारा था, लेकिन लाइन उनकी बेहतरीन और उसकी वजह से एक स्लिप भी है अभी तक, जो आमतौर से T20 में इतना देखते नहीं हम. ओह ब्रिलियंट, जस्ट लिटिल बिट ऑफ ड्रिफ्ट डाउन लेग, जिसकी वजह से अपील नहीं हुई, लेकिन लेग बाय है कि क्या, अंपायर का इंडिकेशन नहीं, हल्की सी बैट के लगी इसलिए शायद अपील नहीं हुई, क्योंकि लेग स्टंप लाइन करीब करीब थी. That brings Sameer Kochar on strike. पहले ओवर में एक अच्छा चौका मारा था रघु के अगेंस्ट. बोल्ड हिम, एक बार फिर अक्रॉस खेलना चाहा समीर ने, और मैंने पहले भी कहा था कि रघु की गेंदबाजी बहुत ही सधी नपी तुली. लिबर्टी इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए था समीर को, अक्रॉस खेलना यानी कि बहुत ही डेंजर. समीर कोचर वापस अपने डगआउट में आएंगे यहाँ दुबई के ग्राउंड में. रघु ने अपना दूसरा विकेट लिया पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक, और ये देखिए बेहतरीन गेंद, अक्रॉस बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था समीर को, पता नहीं क्या करना चाहते थे, जस्ट अ मेंटल ब्लॉक राइट देयर, एंड समीर कोचर गॉन फॉर मुंबई हीरोज फॉर जस्ट 7 रन्स इन 8 बॉल्स. मुंबई हीरोज 2 for 12. हीरोज के कप्तान सुनील शेट्टी, लेकिन रघु की कितनी बढ़िया गेंदबाजी, पिछली बार मुंबई हीरोज का एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाजी स्टैंड था, बहुत ही अच्छी साझेदारी, लेकिन इस बार दोनों ही गायब, आफ्ताब शिवदसानी और उसके बाद समीर कोचर, इसलिए मुंबई के कप्तान मैदान में है और वो भी बॉल. डिजास्टर फॉर द मुंबई हीरोज, दूसरी गेंद पर सुनील शेट्टी यॉर्क्ड, बेहतरीन गेंद थी रघु की, वेरी फुल लेंथ, और सुनील शेट्टी उसे भांप नहीं पाए. आज मुंबई हीरोज के लिए कुछ नहीं चल रहा है. ये देखिए प्लेड अ लिटिल अक्रॉस, गेंद सीधी थी और सुनील शेट्टी वापस पवेलियन में. मुंबई हीरोज 3 विकेट पर 12. बल्लेबाज मुंबई हीरोज के सोनू सूद, जिनके लिए शुरुआत से एक रनर है और शायद होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले CCL के सीजन में पैर काफी बुरी तरह से टूट गया था, शायद 3 जगह उनको दूसरा मैच रन नहीं बनाया अभी तक उन्होंने कोई, सोनू सूद ने. लेकिन CCL का जो नया रूल है कि कैटेगरी 1 के प्लेयर्स ही पहले 6 ओवर्स में खेल सकते हैं, वो उसकी वजह से बड़े बड़े स्टार्स हमको दिख ज्यादा रहे हैं, लेकिन विकेट भी ज्यादा जाएंगे. सोनू का एज और आदर्श को ले लेना चाहिए था, waist height just a bit to his right, we'll have to say a very expensive miss. 4 run mile Sonu Sood ko, lekin catch itna mushkil nahi tha. Yes Charmi, we all know it's dance time for the Telugu Warrior supporters.
ये देखिए दूर हटे, उन्होंने बल्ला घुमाया और आकाश फॉलो द बॉल, थोड़ा सा लेट हुए, लेने लायक थी, कैच पकड़ने लायक था। चलिए कोई बात नहीं, सोनू सूद बचे और मुंबई हीरोज के स्कोर 4 रन का इजाफा। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई सोनू और भी लेग स्टंप की तरफ गए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद मुंबई हीरोज 3/16। This is a very depressing card for supporters of Mumbai Heroes. Opener Sameer Kochar aur Aftab Shivdasani 7 aur 0 par, aur Sunil Shetty captain bhi 0 par out. Lekin Raja Bharwani bhi to khel rahe hain 5 run par, aur Sonu Sood ne pehli gend par ek mauka diya tha, lekin Adarsh Telugu Warriors ke wicket keeper hain, catch nahi le paaye aur Sonu Sood ko 4 run mile. To chautha over karenge far end se Sachin Joshi, जो पहले मुंबई हीरोज के लिए खेल रहे थे लेकिन अब इस साल तेलुगु वॉरियर्स के लिए और कोनर भी हैं। बहुत ही बढ़िया सधे हुए गेंदबाज हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और उनके आने से मुझे लगता है कि और भी मुसीबत बढ़ी जाएगी मुंबई हीरोज के लिए। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं, नॉट द बेस्ट इकोनॉमी रेट और एवरेज, लेकिन डोंट लेट दैट फूल यू, इज अ वेरी गुड बॉलर। और काफ़ी शुरुआत से ही फ्रॉम स्कूल कॉलेज अंडर 15 अंडर 17 सचिन ने बहुत क्रिकेट खेली है, काफी तजुर्बा अनुभव सचिन जोशी का। दैट्स द फील्ड फॉर राजा भरवानी। मिड विकेट अखिल इज अप एंड शॉर्ट एक्स्ट्रा इज द कैप्टन वेंकटेश, और बाकी ऑफ साइड पे 6, लेग साइड पे 3, जो 2 प्लेयर्स सर्कल के बाहर हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कट किया लेकिन सीधा कवर्स में, हल्की सी मिस फील्डिंग, और क्योंकि सोनू सूद के लिए एक रनर मौजूद है, बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया, आसानी से सिंगल, थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस, इसलिए कवर में फील्डिंग में गलती हुई। ये देखिए, हालांकि बॉडी अपने पीछे लाए थे लेकिन बाउंस को संभाल नहीं पाए। अब सोनू सूद, तो सचिन के लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए एक कोई स्लिप तो नहीं, लेकिन शॉर्ट थर्ड और बढ़िया ऑफ साइड ट्रैप है इनसाइड द सर्कल। ओह बॉल देम, सीधी सी गेंद थी, सोनू सूद थोड़ा सा क्रॉस मारने की कोशिश में चूके। ये मुंबई हीरोज का चौथा विकेट, ये सिर्फ चौथा ही ओवर है, मुसीबतें ही मुसीबतें। सीधी गेंद सचिन जोशी की, ये देखिए टॉस्ड अप और है कि हल्का सा इनसाइड एज लगा कि नहीं, लेकिन ऑफ स्टंप को हल्का सा छूती हुई गेंद गई और सोनू सूद आउट। तेलुगु वॉरियर्स डिलाइटेड, मुंबई हीरोज का चौथा विकेट 4/17। अगले बल्लेबाज और जोरदार अपील पहली गेंद पर बॉबी देओल, लेकिन कम से कम उन्होंने थोड़ा पेशेंस दिखाया, बॉल को देखा और एक अच्छा सा डिफेंसिव स्ट्रोक, थोड़ा सा आगे जाके खेलो बॉबी।
टाइमिंग नहीं ला पाए अपने शॉट में बॉबी देओल, लेकिन कहना होगा कि वन ऑफ द मोस्ट टेरेबल स्टार्ट्स फॉर मुंबई हीरोज. फोर विकेट्स डाउन, ओनली 17 रन्स एंड वी नॉट इवन थ्रू द फोर्थ ओवर. डिजास्टर. डाउन लेग, हल्की सी अपील, लेकिन लेग स्टंप के बाद बाहर थी गेंद. ये मौका सचिन जोशी थोड़ा सा खो रहे हैं, क्योंकि अगर सीधी सीधी गेंदबाजी करें तो एक और विकेट लेने का चांस है. इतना दबाव है मुंबई हीरोज पर. फिर टाइमिंग नहीं उस शॉट में बॉबी देओल का, और चौथे ओवर की समाप्ति. एक और सक्सेसफुल ओवर, सिर्फ एक रन एक विकेट. मुंबई हीरोज 4 for 17. बॉबी देओल की बल्लेबाजी शायद बढ़िया ना हो, लेकिन गेंदबाजी जरूर है. उसके बाद देखिए, कबीर, वरुण, शब्बीर, इंद्रनील, अपूर्वा, सब लोग अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. लेकिन जो सीसीएल के नए रूल्स हैं, ओनली द कैटेगरी वन स्टार्स मस्ट प्ले इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, उसकी वजह से 4 विकेट डाउन. और अगर डिफेंस हो तो राजा भरवानी जैसा. वेल प्लेड, गेंद अच्छी थी रघु की. तीसरा ओवर लगातार, अब तक 3 विकेट ले चुके हैं 10 रन देकर. तेलुगु वॉरियर्स के कैंप में खुशी खुशी. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर दैट वी विल कम बैक टू दैट आफ्टर दिस बॉल. यस, वेल डन. सो लेट्स टॉक अबाउट मोबी फ्यूजन. यू कैन टॉक योर फेवरेट सेलिब्रिटी लाइव. अगर आप एमटीएस के यूजर्स हैं, डायल करें 5-0-5-0-5. अगर आपको सीसीएल के मैचेस के टिकट जीतने हो या और एक्साइटिंग जो हमारे प्राइजेस हैं जीतने हो, तो उसके लिए एमटीएस यूजर्स डायल करें 5-2-0-2-0-5-20-20. और अगर आप 5-2-0-2-0 डायल करें तो आपको सीसीएल के स्कोर, बाकी सब कुछ हो रहा है, ट्रिविया वगैरह, अपने दोस्तों से बात करना चाहें, सब कुछ हो सकता है सिर्फ एमटीएस के यूजर्स के लिए ऑन मोबी फ्यूजन. अच्छा ड्राइव, लेकिन ज्यादा उसमें ताकत नहीं, टाइमिंग नहीं. और ये आसानी से मिड ऑफ ने बाई तरफ भाग कर फील्डिंग की. बेहतरीन शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स के लिए, जो यहां दुबई में या गल्फ में मुंबई हीरोज के विरुद्ध कभी जीत नहीं पाए. लेकिन अगर पार्ले जी एंड से जो रघु बॉलिंग कर रहे हैं, अगर इसी तरह करते रहे तो आज बहुत मुश्किल हो जाएगा मुंबई हीरोज के लिए. एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी रघु की. अरे ओवरथ्रोज, मुंबई हीरोज वर अलर्ट टू इट. और तेलुगु वॉरियर्स, नहीं, दिस इज A dead ball as indicated by the umpire. क्योंकि उस पर कोई स्ट्रोक नहीं था, सिर्फ बॉल वापस दी जा रही थी बॉलर को. सो नो रन, नो रन. शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ. इस बॉल को जरूर अगर कोई सदा हुआ बल्लेबाज होता तो जोरदार कट करके चौके की उम्मीद रखता. लेकिन बॉबी देओल हैज जस्ट कम इन, एंड लेट्स नॉट बी टू ग्रीडी. आखिरी गेंद रघु के तीसरे ओवर की. वेल प्लेड बॉबी. अगर अक्रॉस खेलते तो मुश्किल हो सकती थी. तो रघु के तीसरे ओवर की समाप्ति. मुंबई हीरोज 4 for 18.